अच्छा जी, यहाँ पे सेब काट रहे हैं? नहीं जी, जी सर, ये जो है ये कल्लू का फेवरेट है। आज आपको कल्लू बदमाश दिखाने लगे हैं। कल्लू बदमाश के पहलवान? कल्लू काला किस किसने देखा अभी तक? भाई यूट्यूबर में तो आप पहले हैं, बाकी नादिर अली के पॉडकास्ट में गए थे हम। अच्छा चलो जी, कल्लू काला कुछ कहेगा तो नहीं? अब अंदर जाए। अच्छा वैसे आप बहुत सारे चैलेंजेस कर रहे हैं, टॉर्टोइज उठा रहे हैं, मैं मान दूं जरा आप अंदर जाएं और कांटे वाला जो चूहा है उसको जरा अपने हाथ से फीड कराएं। चले मैं करा देता हूँ। इनाम वगैरह है इसके ऊपर कुछ? इनाम आपको बस ये है कि कल्लू की तरफ से आपको एक सुरमे की बोतल दिलवा। चले जी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कल्लू के साथ में चैलेंज कंप्लीट कर पाता हूँ नहीं। मतलब इसको मैंने हाथ से जाके खाना वगैरह खिलाना है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। कितना टाइम रहना है अंदर? सर 2 मिनट भी रह लें बड़ी बात है, लोग तो डर जाते हैं इसको देख। भाई बाहर आ जाएं फिर। नहीं बिलाल आप भी अंदर हो, बाकी आप भी जाएं। अच्छा मैं भी चला जाऊं, फिर चैलेंज तो नहीं ना हुआ ये? नहीं चैलेंज हो जाएगा, आप उसकी टेरिटरी में जा रहे हैं। ये आपका जा रहा है कल्लू के केज में, तो यहाँ से पहले हम डोर को ओपन करेंगे। बाहर खुलता है कि अंदर खुलता है ये नहीं पहले समझ आ रही। अच्छा वो इधर खुलता है, सॉरी इस तरफ खुलेगा। और अब हम जा रहे हैं कल्लू के केज के अंदर, लेकिन जिमी भाई के मुताबिक इन्होंने डराया मुझे कि कल्लू की टेरिटरी में जा रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कांटा कुंटा मार सकता है। आप क्या कह रहे थे? बल्कि सर नहीं मारेगा एक। आप क्या कह रहे थे? टांगों के नीचे जाएगा, ऊपर घूम के आएगा, वापस आ गए टांगों के नीचे से कहीं तो कांटा ऐसी ऐसी जगह पर घुस जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, तो ये रहा कल्लू और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कल्लू का पहले इंतजार करते हैं, कल्लू करता गया है। कल्लू आ जा मेरा बच्चा, चलो भाई स्मेल करो अच्छे से। ये बाइट करता है, मतलब के जाली को काट रहा था। मैं न्यू है ना, अभी आपको पूरा स्कैन करेगा कि कौन है बंदा। ये ले आप पकड़े मोबाइल। आ गया भाई। ओ मेरा भाई जबरदस्त। सेब खाएगा? ओए 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 ओए। ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? इसके कांटे ऊपर वाले कांटे सॉफ्ट, इसको दे दे थोड़ा सा, इसको बाइट एक बाइट तो लेने दे। ओ ले ही लिया, वापस चला जाएगा लेके। नहीं उधर ही खड़ा होकर खा रहा है। ये तो दोस्ती कर ली इसने एक मिनट में, ये क्या चक्कर है? अल्लाह ना करे अगर इसने कांटे खोल दिए अभी। फिर कांटे खोल दिए तो ये भी तो बैठे हुए हैं। जो इनके साथ दोस्ती है वो मेरे साथ दोस्ती है इसकी। क्यों भी कल्लू क्या ख्याल है? बुलाओ कल्लू को अपने पास बुलाओ। कल्लू ऊपर आ जा यार, साथ ऊपर आ जा। अच्छा भाई ऐसा करें आप इधर आके जरा बैठे, बड़े पत्थर पे बैठे जरा। और कांटे खोले लेकिन मारने की नियत से नहीं खोले, खुश हो रही है। नहीं ये क्या आपसे कैसी खुशी है? मेरा बेटा कर जाएगा खुशी खुशी के अंदर। नहीं मुझे पहले ये बताएं क्या बाहर पानी पिया था ना, जगह जगह से पानी निकलेगा। मेरी सुरमे की बोतल कहाँ पे है? पहले भी बैठे तो सही, 2 मिनट तो पूरे करे अपने। अच्छा जी। आपने जो है वो पूरा बैठ जाना है, कल्लू को अपनी गोद में लेना। कांटा लग जाएगा ना, वो तो बेवकूफी है। फिर कांटा लग जाएगा तो चैलेंज इसी को कहते हैं ना। चैलेंज करना हो रहा है, बेवकूफी हो रहा है आपको। मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दो, वो चैलेंज थोड़ी होगा। अच्छा अल्लाह ना करे अगर हसन भाई आपको ये कांटा लग जाए तो आपको हम हॉस्पिटल ले जाए या पंचर वाले के पास ले जाए, किधर जाना ज्यादा बेहतर? आपको पता है आपको लगा हुआ था कांटा। चलो इस तरफ आओ थोड़ा पीछे, मैं नीचे इसी होकर बैठूं। अच्छा किसी को लगा कांटा इसका अभी तक? नहीं अभी तक नहीं लगा। वैसे ही के ये अटैक कैसे करता है, घूम के मारता है कांटे? सर पूरे कांटे खोल के ना ऐसे बिल्कुल हिट करेगा आपको अपने बॉडी से बहुत जोर से। अल्लाह ना करे अगर अग्रेसिव हुआ था, अभी तो अग्रेसिव मोड में नहीं लग रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि एक इसके बारे में बड़ी चीज मशहूर है, ये कांटे मुछाल के मारता है, हिट करता है, वो फर्क है? मुझे नहीं लगता, झूठ है। ये ऐसा होता है कि करीब से इतनी जोर से यूं करके वो करता है ना कि कांटे जिस्म में अंदर घुसे रह जाते हैं और बुखार चढ़ जाता है, इसका दर्द भी ऐसा होता है ये। अच्छा आगे क्या देख रहे हैं? चैलेंज तो अभी कुछ भी नहीं है, खैर यही एक बड़ी चीज। अल्दहा? हाँ अल्दहा निकाल के दिखाएंगे अब आपको। कितना बड़ा? करीबन 11 फुट का। 11 फुट का, उसको उल्टी ही नहीं आनी चाहिए, चैलेंज ये है। उसने रैबिट खाए हुए हैं? नहीं रैबिट का उसने रैबिट्स खाए हुए हैं, उसको उल्टी नहीं आनी चाहिए। अरे कल्लू तुम खाओ अपना फूड। अंदर आने तो दे देता है लेकिन बाहर बंदा इसकी मर्जी से जाता है। कोई नहीं मैं आ जाऊंगा, मेरी टेंशन ना ले। वो पेंट पे काट रहा है यार, क्या कर रहा है भाई? बस 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 बस, इजी। ओ कांटे खोल, कांटे। अच्छा ये वो जानवर है जो तेंदुए का मुकाबला करता है, इसको इजी नहीं लेना, ये खतरनाक चीज है। काट रहा है? नहीं नहीं काट नहीं रहा, पेंट पकड़ेगा खींचेगा। अबे भाई बस काट दे, बाहर नहीं जाने देगा आपको। नहीं बाहर तो मैं आ जाऊंगा। सेब मांग रहा है यार ये, दो ना इसको सेब गरीब के बच्चे को। सेब खत्म हो गया अपुन तो चला बाहर। वो भाई ने पकड़ लिया, भाई गोद में उठाओ उठाओ उठाओ, उठा लेते हो आप तो कांटा नहीं लगता। ओए बोल रहे ये तो पूरा। अरे भाई इस तरफ आओ ना, गालियां तो नहीं दे रहा? नहीं देख लेना। ओ भाई 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 देखो कैसे उठा लिया इसने यार। वाह यार कल्लू सही है सही है। ओए 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 ये क्या किया इसने? इसने अपने कांटे जो है ना आपस में टकरा के आवाज निकाली। वो इसने बताया कि भाई
जैसे नहीं लकड़ियां बहुत सारी एक साथ मिलती हैं। हां सही कह रहे, सही कह रहे। मैं तो भाई बाहर आ जाए यहां पर, नीमा नीमा हो गए, निकलूं यहां से पीछे पहले के मेरे में सुराख हुए हैं छोटे छोटे, और मैं कंफ्यूज हो जाऊं सांस कहां से लूं। और आगे आप समझते हैं, अब हम लोग अगला चैलेंज करने जा रहे हैं, देखते हैं कि मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं भाई, कर लूंगा, कर लेंगे यार, चल रहे पूरा भरोसा। भाई का भाई निकल रहा है जी, मैं भी क्या निकल रहा है, नस्ल बताओ। पाइथन। अच्छा उससे सुरमा मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा? इस पे सर आपको एक खरगोश दे देंगे। सीरियसली, जो आपने इसको डालना है वो उसके मुंह से बाहर आएगा। वो तो उसने खाया है, और चैलेंज भी यही है कि मुंह से बाहर खरगोश नहीं आना चाहिए, और अगर ना आया तो फिर ना आया तो अच्छी जिंदा खरगोश दे देंगे आपको फिर। अरे भाई उफ माशाल्लाह यार, ये बहुत बड़ा है यार। हाँ ये बहुत बड़ा है और बहुत हैवी भी है। निकलता ही जा रहा है। ये फीमेल है? जी जी सनी फीमेल। यार इसका मुंह वगैरह कुछ कर दें? कुछ भी नहीं करना है। ओ तेरी खैर उस्ताद, उस्ताद बहुत हैवी है, वाकई बहुत हैवी है। ओहो जिमी भाई इस तरफ आओ सर। ये अंडे देने वाली है कि पेट इसका क्यों फूला हुआ है इतना? अच्छा ओके, यहाँ से उठाऊँ आगे से? कहीं से भी उठाए बस पूरा उठा ले इसको। पलट के मारता तो नहीं है? मैं बड़ा बखनी जिमी भाई, ये तो माशाल्लाह से माशाल्लाह। इसमें बाइसेप्स की गेम हो सकती है, मॉडलिंग भी भाई पीछे से उठाना था इसको पूरा नजर आया था कि ये इसकी लेंथ तो टोटल है कितनी। ये सर 10.5-11 फुट के करीब है। अभी ये जैसे चलती है ना तो ये अपने आप को पूरा खोलती है। अगर हम यहाँ पे खड़े हो ना ऊपर, बाजू से ज्यादा मोटी है ये, देखें बहुत मोटी है ये, बहुत ज्यादा मोटी है, हेल्दी बोल रहा है माशाल्लाह। कितने साल की है ये? ये भी 6 साल। ऊपर आ रही है, काटेगी? नहीं नहीं काटेगी, 6 साल की होगी। 6 साल की इसकी लेंथ पूरी हमने दिखानी है। इसको जमीन पे छोड़ना पड़ेगा, जमीन पे माशाल्लाह। ओके जिमी भाई दूसरा चैलेंज हो गया कम्प्लीट? हो गया सर। अब तीसरा क्या है सर? जहरीला कोबरा है। खरगोश देखें ये उठा लिया हमने, वो भी पकड़ लिया, लेकिन जहरीले कोबरा वाला रिस्क हमने नहीं लेने की। वजह बताता हूँ मैं आपको, वजह ये है कि कल को हमने करने आप लोगों के लिए व्लॉग, अगर भाई को कुछ हो गया तो कल को व्लॉग कौन शूट करेगा, ठीक है जी? तो इसको हम छोड़ देते, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इससे पहले के तंग आए और हमें बाइट वूट कर दे, तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए। नहीं जी भाई इसको बंद कर दे। नहीं बोलना यारा सच कहना, मजा आया का नहीं आया उस्ताद? उस्ताद जानवर देख के भाई को भूल ही गया उस्ताद। उस्ताद 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 मजा आया कर नहीं? उस्ताद उस्ताद एक मिनट दे दे भाई, एक मिनट दे दे। वो देखो देखो तो कछुए के बच्चे, वही जो बड़े वाला हमने उठाया था, वो देखो वो छोटे छोटे बच्चे कछुए के, वो दिखाते हैं अभी आपको निकाल के। वो देखो हिरन उरन भी है जिम्मे, छोटे टोटो से दिखाए। अचानक मेरी नजर पड़ गई है सदाम साहब तो हमको भूल ही गए हैं भाई, हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे आके। अच्छा बच्चे नहीं, लाहौर चल के लिफ्ट करवाएंगे। देखो कितने छोटे छोटे हैं यार, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। इसके सुलकाटा के बच्चे हैं। अल्लाह अकबर, ये कहाँ की ब्रीड है? अफ्रीका, अफ्रीका की। थाईलैंड में नॉर्मल पाए जाते हैं, और मेरा लाने का इतना दिल कर रहा है वहां से, मुझे कहती है डब्बे में डाल के देती हूँ ले जो, मैं फाड़ लिया था फिर। ये कितने साल में होगा उतना बड़ा? 100 साल? 70-80 साल। अगर कोई चाहता है ना उतना बड़ा करना, जितना बड़ा मैंने पिछली वीडियो में उठाया, 70-80 साल तक संभालो, उसके बाद इसको उतना बड़ा करके एंजॉय करना, चिल मारना। अभी तो बहुत सॉफ्ट है, नरम नरम सा है, लेकिन कहाँ पे उंगली आए तो वो हो जाता है। ये मेल है ना सर, ये वो जो बड़ा वाला टॉर्टोइस नहीं था, ये जो आप गैप देख रहे हैं, अगर उठाते हो आपकी उंगली इधर चली जाए ना तो ये ऐसे बंद करता है ना, तो ये बहुत जोरदार टूट जाएगी उंगली, वो इतनी जोर से बंद करता है। ये जिमी में मेल है ना? जी जी सर। आप फीमेल का भी पता चल जाता है? जी जी। उसका उसकी सर ये देखें, ये जो ओपनिंग है ना, ये कांटा है, अगर इतनी बड़ी होगी ना तो ये मेल है, अगर ये वी बन रहा होगा ना प्रॉपर छोटी ओपनिंग होगी तो फिर वो फीमेल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन हो। ये बाइट करेगा? नहीं ये नहीं करता, बहुत फ्रेंडली। अब डालते क्या इसको? इसको सर लूसन सब्जी फ्रूट एप्पल खीरा। यार आपके सही मजे हैं, आपके बहुत जी, हम लोग तो ऑस्ट्रेलियन तोते तोते रख के मोजे मार रहे हैं, मुर्गियां वगैरह वलाती चूचे रख के, इधर सही मजे हैं माशाल्लाह से। भाई अंदर है क्या, चूहे हैं क्या? नहीं नहीं अमेरिकन कीवीज है। अमेरिकन कीवी? कीवी तो खाने वाली भी होती है ना, गिनी पिग्स, लेकिन थोड़े छोटे नहीं है उसकी निस्बत? बच्चे हैं गिनी पिग्स तो बहुत बड़े होते हैं। ये ब्रीड कब करेंगे? ये ब्रीड आई हुई है ना बड़े जोड़ों की, मेरे दोस्त के पास ब्रीड करी, वो देखे गया बच्चे। अच्छा जी उसके बच्चे हैं। एक टाइम में कितने बच्चे दे रहे हैं ये? 2 तक दे देते हैं। इधर आओ व्हाइट राइट भी भाई आपको दिखाते हैं, चेक करो जरा, इन्होंने कोई दिया बच्चे वगैरह? नहीं अभी तक नहीं दिया, दे देंगे। ये स्टूअर्ट लिटल है? जी जी जी। ये बड़े होंगे कि फुल साइज है? ये माइस है, इतने ही रहता है। साढ़े एक आते
इसके बारे में कुछ बता दो यार लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सर ये है कि ये यूरोमेस्टिक लिजर्ड है, इसको सांडा भी कहते हैं, और इस बेचारे के साथ बदकिस्मती है कि सर इसको जो ना तेल वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उसमें ना इन जानवरों को बड़ी तकलीफ दी जाती है। तो हम इन्हें रेस्क्यू कर करके लाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, फिर बाद में हम रिलीज कर देते हैं। पाकिस्तान में पहली बार अगर पास आ गई तो। हाँ ये इगुआना लिजर्ड है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। मैं खोल लेता हूँ सर, ये पकड़िएगा सर। तो बताओ सर, जिम्मे में क्या साइज का आ जाती है, हाथ से बताएं जरा। सर ये किस साइज की हो जाती है, ये सर इतनी बड़ी हो जाती है। कब होगी, कितने साल में? 4 साल में। शुक्र है 70-80 साल नहीं आपने कह दिया। यानी आपने अगले साल आना है, तो मैं आपको 2 फुट की इंशाल्लाह जिंदा रही अल्लाह ने की जिंदगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह की है। मेल कौन सा है इसमें? सर ये बड़ा वाला मेल है। वो फीमेल है? कलर का डिफरेंस है? नहीं नहीं, कलर का डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा गला आप देख रहे हैं बड़ा कांटेदार। हाँ जेंडर कन्फर्म होता है मेल का, मुर्गों की तरह। बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी लाएंगे सर। माशाल्लाह बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट है ये। इतने करीब से पाकिस्तान में पहली बार कह रहा हूँ इगुआना लिजर्ड देख रहे हैं। बाहर आपने देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार आप इतने करीब से देख रहे हैं इगुआना लिजर्ड। व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, हमने करनी है HSN एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो शूट, क्योंकि वो काम ज्यादा जरूरी है। वो है हमारा मेन चैनल, जिसके अंदर हम लोग बतखें छतखें बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, बहुत माल पड़ा 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 है। तो लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।